नमस्कार। तो क्या आप भी मेरी तरह उनमें से एक है जिनकी स्केचिंग स्किल्स बहुत ख़राब है, फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में फेस किया है, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ ब्ला 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 ब्ला। और कुछ टीचर तो ऐसे चेक करते हैं जैसे स्केच ही सब कुछ है। तो क्या अगर मुझे स्केचिंग नहीं आती तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता? तो अब तक तो ये जो चला ठीक है, लेकिन अब आगे भी यही चलता रहा तो एक दिन बच्चे ये ज़रूर भूलेंगे। कैसी पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? क्योंकि अब आ चुका है ऑगमेंटेड रियलिटी का जमाना। आयरन मैन को जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते देख हम एक्साइट हो जाते हैं, अब वही असलियत में आ चुका है और उस पर R&D भी हो रही है। और यही टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर को पूरी तरह बदल देने वाली है। अब तक तो 3D CAD में बनी असेंबली को देखने के लिए एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी जिसमें उसका एक्सप्लोडेड व्यू देख सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक गॉगल की मदद से वो आपके सामने आ सकता है। असेंबली सीक्वेंस या किसी भी डॉक्यूमेंट की मदद के बिना भी अब किसी भी चीज़ को डिसअसेंबल करके उसको रिपेयर करके जो जैसे था वैसा फिर से लगाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को देखिए और सोचिए हम कहाँ इस ड्रॉ अ नीट स्केच में उलझे पड़े हैं आज तक। अब इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया कि हमारा दिमाग टेक्स्ट के कंपैरिजन में विजुअल्स को 60,000 गुना ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। आप खुद सोचिए, आपके सामने अगर मैं एक ऐसा 2D स्केच रखूं और इसके बजाय आपके सामने एक 3D इमेज बन जाए तो चलिए समझते हैं फ्यूचर में इससे क्या हो सकता है। अब ऐसे इंजीनियरिंग यूनिट्स जहाँ पे R&D होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे 3D CAD मॉडल सीधा एक गॉगल पहनने से आपके सामने आ जाएंगे और कंप्यूटर स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए डिज़ाइन इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई टेक्नीशियन किसी डिवाइस को रिपेयर करने के लिए अपनी फैक्ट्री से दूर किसी और जगह पर गया है जहाँ दूसरा मशीन या डिवाइस इंस्टॉल्ड है, तब उसको फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उस गॉगल को पहने ही किसी एक्सपर्ट को वीडियो कॉल करके एडवाइस ले सकता है और वो एक्सपर्ट उसको गाइड भी करेगा कि वो फॉल्ट कहाँ है और वो उसको कैसे रिपेयर करे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बिना सिर्फ गॉगल को पहने ही वो इंस्ट्रक्शंस को समझ के डिवाइस को यूज़ कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में तो ये टेक्नोलॉजी तहलका मचा देगी। सब कुछ प्रॉपर इंटरैक्टिव बेस्ड लर्निंग, सीधा 3D आपके सामने। आप जूम इन जूम आउट करो, सेक्शन व्यू देखो, कुछ भी करो, आपको सब कुछ दिखेगा। कोई 2D स्केच की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ 3D आपके सामने, आप पूरा उसको विजुलाइज करके समझ सकते हैं। इन सब के लिए आपको सिर्फ एक गॉगल पहनना है और बस आप उन सभी चीज़ों को आपके सामने विजुलाइज कर पाएंगे, जूम इन जूम आउट सब कर पाएंगे अपने हाथों से, जैसा हम आयरन मैन मूवी में देखते हैं। और चौथा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल असेंबली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उसको समझने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। देखिए कितनी आसानी से पूरी असेंबली को एक्सप्लोर किया और उसके एक एक पार्ट या फिर सब असेंबलीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के मदद से किसी भी व्हीकल के एरोडायनेमिक्स को समझने में बहुत मदद मिलती है और किसी भी कार का हम सेक्शन व्यू देख सकते हैं बिना उस कार को बनाए। सिर्फ CAD मॉडल का सेक्शन व्यू हम विजुलाइज कर सकते हैं 3D में। देखिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।